हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई। इसके लिए मैंने प्याज फ्राई होने रख दिया है और ये मेरे पास तकरीबन 1 kg मटन है और इसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक, हसबे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च और इसके अलावा धनिया पाउडर पिसा हुआ, गर्म मसाला पाउडर पिसा हुआ। अपने मर्ज़ी से आप जितना हसबे तौफीक आप लेना चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और ये मैंने टमाटर जो थे उन्हें ग्राइंड कर लिया है। आज मैं दूसरी तरह बना रही हूँ, वैसे तो मैं इसे बॉईल करती हूँ बट आज मैंने इसमें पाउडर ऐड किया है। ये शान का पैकेट आता है एक, ये वाला गोश्त गलाने वाला पाउडर, ये मैंने इस पर आधा घंटा पहले लगा दिया था। तो अब मैं इसे इसी तरह से बनाऊंगी बग़ैर बॉईल किए। अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि मैंने यहाँ पर कूटा हुआ है, ये देखिए इस तरह से कूटा हुआ है। ये देखिए हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए प्याज हमारे फ्राई हो गए थे तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। इसमें हम टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया है ग्राइंड करके वो ऐड करूंगी और साथ ही तमाम मसाले डाल दूंगी। तमाम मसाले साथ ऐड कर दूंगी, मैंने कुछ भून लूँ तो फिर मैं इन्हें इसमें मटन ऐड कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें मटन ऐड कर दिया था, अभी मैं इसे भून रही हूँ। अच्छे से भूनने के बाद लास्ट में जब मुकम्मल कढ़ाई तैयार हो जाएगी तब मैं इसके अंदर धनिया ऐड करूँगी, सबज धनिया। देखिए अभी मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। फ्रेंड, ये देखिए हमारी मटन कढ़ाई बनके रेडी है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च और धनिया कटा हुआ, ये ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।